हेलो गाइस, कैसे आप सभी गाइस। जैसे कि स्क्रीन पे देख सकते हो, इस टाइम पे मेरे पास रेडमी का नोट 7 डिवाइस है, जिसके अंदर आज की इस वीडियो में मैं लिग्नेज ओएस की कस्टम रोम को इंस्टॉल करने वाला हूं, जो कि डायनेमिक पार्टीशन के ऊपर बेस्ड है। इसके लिए गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको आपके डिवाइस के लिए ऑरेंज फॉक्स की रिकवरी चाहिएगी, जो कि डायनेमिक पार्टीशन वाली हो। यानी कि गाइस आपको ये दो फाइल्स चाहिए अगर आपको आपके डिवाइस में लिग्नेज ओएस की डायनेमिक पार्टीशन वाली रोम को इंस्टॉल करना है। इन दोनों फाइल्स का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। अब गाइस सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि इस टाइम मेरे पास जो रेडमी का नोट 7 डिवाइस है, इसके अंदर मैं एंड्रॉयड 15 को यूज कर रहा हूं। अगर आपको जानना है कि मैंने इसे कैसे इंस्टॉल किया, तो इसके ऊपर मैं दो वीडियोस बना चुका हूं, आप इन्हें एक बार जरूर चेकआउट करना। लेकिन सबसे पहले हमारी आज की इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर बात करते हैं कि आप अपने डिवाइस में लिग्नेज ओएस को कैसे इंस्टॉल कर सकते हो, जो कि 4.19 कर्नल के ऊपर बेस्ड है, यानी कि डायनेमिक पार्टीशन वाली है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको आपके डिवाइस के अंदर जितना भी डाटा है उसको बैकअप कर लेना है, क्योंकि आपके डिवाइस का सारा डाटा फॉर्मेट होगा, आप जानते होंगे। उसके बाद में आपको सिंपली आपके डिवाइस को पावर ऑफ करना है। जैसे ही आपका डिवाइस पावर ऑफ हो जाए, आपको पावर प्लस में वॉल्यूम अप बटन को एक साथ में दबा के रखना है, जिससे गाइस आपका डिवाइस थोड़ा वाइब्रेट करेगा। जैसे आपका डिवाइस वाइब्रेट हो, आपको पावर के बटन को छोड़ देना है और वॉल्यूम के बटन को दबा के रखना है, जिससे आपका जो डिवाइस है वो आपकी कस्टम रिकवरी के अंदर बूट हो जाएगा, जिस किसी भी कस्टम रिकवरी को आप यूज कर रहे होंगे। जैसे कि गाइस स्क्रीन पे आप देख सकते हो, इस टाइम पे मैं ऑरेंज फॉक्स की कस्टम रिकवरी को यूज कर रहा हूं, जो कि ओपन हो रही है। जैसे आपके डिवाइस में आपकी रिकवरी ओपन हो जाए, आपको सिंपली मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर जो ऑरेंज फॉक्स की रिकवरी दी है डायनेमिक पार्टीशन वाली, आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है और स्वाइप टू इंस्टॉल कर देना है। लेकिन गाइस ये रिकवरी मैं इंस्टॉल नहीं करूंगा, क्योंकि आप इस रिकवरी का एक बार वर्जन देख लीजिए। इस रिकवरी को मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है, मैं आप सभी को अबाउट फोन के अंदर जाके दिखा देता हूं। तो गाइस इस रिकवरी को मैं फिर से इंस्टॉल नहीं करूंगा, लेकिन आपको जरूर करना होगा अगर आप अभी तक डायनेमिक पार्टीशन वाली रिकवरी के ऊपर नहीं है। इस रिकवरी को इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है, आपको सिंपली वाइप के ऑप्शन के ऊपर जाना है। यहां पर जाने के बाद डाल्विक, कैचे, डाटा, इन तीन पार्टीशन के ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है और स्वाइप टू वाइप कर देना है। जैसे कि आप सभी अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, कुछ ही सेकंड्स के अंदर ये पार्टीशन आपके डिवाइस से वाइप हो जाएंगे। उसके बाद आपको सिंपली बैक जाना है। बैक जाने के बाद थ्री डॉट के ऊपर जाना है। यहां पर जाने के बाद आपको माउंट के ऑप्शन के ऊपर जाना होगा। यहां पर आपको देखना होगा कि आपके डिवाइस में जो सिस्टम है वो माउंट ना हो, यानी कि आपके सिस्टम के ऊपर ऐसी टिक नहीं होनी चाहिए। आपको सिंपली अगर ये टिक है तो इसको रिमूव कर देना है। उसके बाद में गाइस आपको सिंपली फाइल मैनेजर के ऑप्शन के ऊपर जाना है, और जो मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिग्नेज ओएस की रोम दी है डायनेमिक पार्टीशन वाली, आपको सिंपली उसके ऊपर क्लिक करना है, स्वाइप टू इंस्टॉल कर देना है। जैसे कि स्क्रीन पे आप देख सकते हो, आपके डिवाइस में जो लिग्नेज ओएस की रोम है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुकी है, जिसके अंदर आपको जी एप्स वगैरह भी देखने के लिए पहले से मिलते हैं। तो गाइस आपके डिवाइस के अंदर जो रोम है वो इंस्टॉल होने में लगभग 5 मिनट लगाएगी। तो आप 5 मिनट तक अपने डिवाइस को एक जगह पे छोड़ दीजिए, वेट कीजिए। अगर आप वेट कर रहे हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इंस्टॉल करने के बाद आप चाहते हो कि इस रोम को मैं फुल यूज करूं और आपको रिव्यू दूं कि ये रोम आपके डिवाइस के लिए कैसी है, तो आप मुझे नीचे कॉमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। तो चलिए वेट करते हैं। जैसे कि गाइस स्क्रीन पे आप देख सकते हो, लगभग 3 मिनट के आसपास का टाइम लगा और हमारे डिवाइस में जो लिग्नेज ओएस की कस्टम रोम है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है, आप सभी अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। अब आपको क्या करना है, आपको नीचे दो ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे। आपको सिंपली वाइप कैचे के ऊपर जाना है, थोड़ा बहुत कैचे वगैरह बनना होगा उसको वाइप कर देना है। उसके बाद में बैक जाना है, डिलीट के ऑप्शन के ऊपर जाना है, यानी कि वाइप के ऑप्शन के ऊपर जाना है, फॉर्मेट डाटा के ऑप्शन के ऊपर जाना है, और यहाँ पे सिंपली यस टाइप करके ओके कर देना है, जिससे गाइस आपके डिवाइस के अंदर जितना भी डाटा वगैरह था वो सारा फॉर्मेट हो जाएगा। इसलिए मैंने आपको कहा था कि आप रोम फ्लैश करने से पहले, यानी कि इंस्टॉल करने से पहले, आपके डिवाइस का जितना भी डाटा है उसका बैकअप कर लीजिएगा। अब गाइस आपको सिंपली रिबूट टू सिस्टम कर देना है। पहली बार बता दूं, आपका डिवाइस पहली बार बूट होने में लगभग 5 से 10 मिनट लगा सकते हैं, तो आप थोड़ा वेट कीजिएगा। अगर वेट कर रहे हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और फिर से बता रहा हूं, अगर आप चाहते हो कि इस रोम को मैं फुल यूज करके आपको रिव्यू वीडियो बना के दूं, तो भाई लाइक कर दो। लाइक एम रखता हूं सिर्फ 15 लाइक्स का। अगर आप 15 लाइक कर दोगे तो रिव्यू वीडियो आपको मिल जाएगी। तो गाइस प्लीज कॉमेंट करके जरूर बताइएगा।
गाइस लगभग 5 मिनट के बाद में हमारे डिवाइस में जो रोम है वो सेटअप के लिए आ चुकी है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। अब जैसे मेरा न्यू डिवाइस आता है, मैं जल्दी जल्दी इस डिवाइस को सेटअप कर लेता हूँ और सेटअप वगैरह करके आपको फर्स्ट लुक दे देता हूँ कि फर्स्ट लुक के अंदर मुझे लिग्नेस ओएस जो कि डायनेमिक पार्टीशन के ऊपर बेस्ड है वो मुझे कैसी देखने के लिए मिल रही है। तो गाइस ये देखो सिंपली सेटअप हो चुका है, इसको यूज वगैरह नहीं करता, सिंपली आपको फर्स्ट लुक दे देता हूँ। तो फर्स्ट लुक के अंदर देख लीजिए, प्ले स्टोर देखने के लिए मिल जाता है, कैमरा देखने के लिए मिल जाता है, जो कि मैं जानता हूँ फुल लोडेड मोडेड जी कैम नहीं है, सिंपल वाला कैमरा आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा हम बात करें तो ब्लोटवेयर वगैरह आप सभी जानते हो लिग्नेस ओएस है देखने के लिए नहीं मिलेगा। सेटिंग्स के अंदर जाते हैं, सेटिंग्स का मेन्यू देखते हैं, ये देखो सिंपल देखने के लिए मिल जाता है बिल्कुल। अबाउट फोन के अंदर जाते हैं, अबाउट फोन के अंदर जाके देखें इसके अंदर एंड्रॉइड वर्जन कौन सा है, तो ये देखो आपको एंड्रॉइड वर्जन 14 देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि मैं बोलूंगा कि लेटेस्ट है। उसके अलावा गैस अगर हम सिक्योरिटी पैच की बात करें तो वो आपको अगस्त का देखने के लिए मिल रहा है, जो कि मैं बोलूंगा कि ठीक है। बाकी गैस इसके अंदर आपको कस्टम कर्नल भी देखने के लिए मिल जाता है, जो कि सोनिक का है, आप भी अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। बाकी गाइस आप मुझे नीचे कमेंट करके बता देना कि आपको इस रोम का फुल रिव्यू चाहिए या फिर नहीं। अगर आपको चाहिए तो इस वीडियो के अंदर 15 लाइक्स करा देना, क्योंकि टारगेट है 15 लाइक्स का। बाकी आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना कि आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।